बेचते हैं आप लोगों को है ये सिलेबस जैसे पहले हमने आपको एनएलएम बताया था तो उस समय टेस्ट हम बना रहे थे। अब टेस्ट वो लोग बोल रहे हैं कि बाहर से ऊपर से बन के आ रहा है। अब ऊपर से बन के आ रहा है, अगर वो वाले सर बैठे होंगे तो मैं आपको अभी सिलेबस बता देता। अब मुझे लग रहा है उसके सिलेबस में जो आ रहा है वो बंडी टू बी बर्क पावर एनर्जी एनएलएम इतना है एक बार सिलेबस बता देना। क्लास के तुरंत बाद तुरंत ही मैसेज कर देंगे, ठीक है? क्या क्या सिलेबस में आपके आ रहा है? चलो आ जाओ, बच्चे लोग पानी पीने गए ना? हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा पुराना करते हैं, उसके बाद में अगले बढ़ते हैं। और पेपर बहुत सरल है, मैं बनाता थोड़ा हार्ड पेपर होता, सही है? ऊपर से पेपर आया तो बहुत सरल पेपर, पेपर मैंने देखा था, एक नज़र मैंने देखा था, तो पेपर बहुत सरल है। और ये इतना सरल पेपर वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना सरल नहीं पूछेगा नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग पढ़ के आ रहे थे रोटेशन मोशन। अच्छा, रोटेशन मोशन पढ़ रहे थे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है? सभी ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करे हैं ना? अच्छा, सभी ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करे हैं तो आगे रेंज बताओ। आगे रेंज रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग क्या होता है? एम आर। चलो याद तो करें। अच्छा आप लोग बताओ सेकंड बेंच, डिस्क का सेंटर के अलोंग क्या होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ये होता है। चलो ठीक है, लास्ट बेंच चारों देवियां, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सेंटर के अलोंग? जोर से बोलो, 2/5 एम आर स्क्वायर। थोड़े जोर से बोला करो, खाना नहीं खा के आए हो क्या? सॉलिड स्क्वायर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। चलो इसका मतलब कुछ याद है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहलाती है? आई सी एम प्लस एम आर या एम एक्स स्क्वायर, ठीक है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है? ये 2D के लिए वैलिड है और ये किसके लिए होती है? 2D या फिर 3D दोनों के लिए ही वैलिड है, ठीक है? ये चीज, चलो ये थ्योरम तुमको पता है। उसके बाद में मैं कुछ टॉर्क की बात कर रहा था, मैंने कोई टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला मेरा क्या होता था? R क्रॉस F। अच्छा, R क्रॉस F था। और F क्रॉस R क्या था? F क्रॉस R क्या था? Along the axis। ये क्या था? Along the point। Along the point। चलो, इसके बाद में मैंने कोई लीनियर मोमेंटम की बात करी थी। L बराबर लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या था? L बराबर R क्रॉस P। इनटू मत बोलना इसे, क्रॉस, ठीक है? R क्रॉस P, और क्रॉस हटता है तो क्या लगता है? साइन थीटा। तो मेरा आंसर आता है RP साइन थीटा। तो L बराबर मेरा फार्मूला हो जाएगा RP साइन थीटा। ये मेरा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता था।
एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला और था, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। अच्छा ये था एंगुलर इंपल्स का फार्मूला, क्या था वो मैं भूल गया, एंगुलर इंपल्स का फार्मूला क्या था कोई बताओ मुझे, एंगुलर इंपल्स का फार्मूला क्या था, टाउ इंटू डी टी या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये फार्मूला होता था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या फिर टाउ इंटू डी टी, ये था मेरा किसका था एंगुलर एंगुलर इंपल्स का, एंगुलर एंगुलर इंपल्स का, एंगुलर इंपल्स का मेरा ये फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद में बताओ आगे बेंच, आप लोग बताओ, आप लड़के नहीं आगे बेंच, आप लोग बताओ बेटा ओमेगा और टी का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी, ठीक है। अच्छा ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी और उसका फार्मूला बताओ तो मुझे, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या फार्मूला होता है, पीछे बताओ नवोदय विद्यालय, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या फार्मूला होता है, तुम दोनों नवोदय से हो, दोनों लोग नवोदय से हो, हम लोग अरे कोई है तो नवोदय से मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, तुम्हें से मौर्य जी कौन है, मौर्य जी विशेष विशेषांक मौर्य विशेष ने तुम हो, अच्छा भूपेंद्र सर कह रहे थे ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, टू पाई एन या फिर टू पाई एन, कुछ लोग ये मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारी 11th और 12th कंप्लीट ना हो जाती फिजिक्स, तब तक ये पीछे नहीं छोड़ने वाला, तब तक ये फार्मूला तुम्हारे साथ में रहना ही रहना, ठीक है। इन सब की अब तुम देखना, मैंने अभी जितने फार्मूला बताए ना जब इन पर क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक 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 फार्मूला तुमसे पूछूंगा, सारे सब इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में कोई एक फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन का भी था, कोई रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई फार्मूला था, k बराबर अंडर रूट आई अपॉन, अच्छा हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन का मेरा ये फार्मूला था, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी एक होती थी रोलिंग मोशन, एक होता था रोटेशन मोशन। सर अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पर तो उसे क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन, ठीक है। अब बताओ तुम लोग चारों बताओ, तुम तीनों बताओ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन, कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के थ्रू कितना होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है मतलब आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, ठीक है, आगे भी बढ़ रही है घूम भी रही है, ठीक है। आप बताओ चारों तब टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 mv सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यही तो होता था, ये होता था। एक मैंने बताया था रोलिंग मोशन और एक मैंने कोई प्योर रोलिंग इनप्योर रोलिंग मोशन बताया, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन में एट लोएस्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी कितनी होती थी, जीरो, क्या होती है जीरो, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले तुम्हें क्वेश्चन बताया था, मैंने एक क्वेश्चन तुमसे कहा था कि अगर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी इसका कराया था, मैंने कहा था यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई बॉडी है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, यानी कि घूमते हुए आगे बढ़ रही है, ऊपर से नीचे घूमते हुए आगे बढ़ रही है। मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है और ये हाइट कितनी है एच, तो इस लोएस्ट पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी आई थी उस वेलोसिटी का फार्मूला जो मैंने ड्राइव करके निकाला था कितना था जल्दी बोलो, 2gh/1k² ये फार्मूला आया था, ठीक है। ये फार्मूला आया था, वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा
रूट टू जी एच बटे वन प्लस के स्क्वायर अपॉन। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में ये हुआ, क्वेश्चन ने ये हाइट ना दी तुम्हें, ये हाइट ना देके तुम्हें ये वाली दूरी दे दी, ये डिस्टेंस दी, लेकिन तुम्हें तो फार्मूला कौन सा पता है, हाइट के टर्म में, हाइट के टर्म में पता है, लेकिन क्वेश्चन ने हाइट ना देके क्या दे दी तुमको, ये डिस्टेंस दे दी। अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे कि तुम एच का मान निकाल सको, एच की वैल्यू। अब एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, सर ये एंगल 90 डिग्री है, क्या लगाऊं, पाइथागोरस, पाइथागोरस ठीक है, एक तो वो तरीका है, लेकिन पाइथागोरस में मुझे बेस नहीं पता, तो मैं कौन सा लगाऊं, ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें ये क्या होता है थीटा के सामने लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने कर्ण, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेनियस, तो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस यानी कि लंब और कर्ण आए, तो लंब और कर्ण बताओ किसमें आता है, साइन थीटा, लाल बट्टी कब का सबने पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो ये एच और ये क्या है एस, तो एच की वैल्यू क्या आई, बोलो एस साइन थीटा, उठा के कुछ करना नहीं है, इस एच की जगह, एच की जगह लगा दो एस साइन थीटा बटे वन प्लस के स्क्वायर अपॉन। अब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगर क्वेश्चन में तुम्हें हाइट पता है, क्या पता है हाइट, तो ये लगाओगे, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है तो अंडर रूट टू जी एस साइन थीटा बटे वन प्लस के स्क्वायर अपॉन, जहां के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, आर क्या है रेडियस किसकी त्रिज्या, अरे जो चीज घूम रही है, जो चीज यहाँ पर, हाँ जो चीज घूम के नीचे आ रही है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी तुम्हारी, आर कहलाएगी, क्या कहलाएगी आर, ठीक है, तो यहां तक मैं लिखवा दिया था, यहां तक मैं लिखवा दिया था, एक बार इसे और इसे लिख लो, फिर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, फिर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा बताओ, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। बस सुनी तुमने करत करत अभ्यास के, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, बहुत चढ़वाई थी, कमजोरी आ रही थी, अब टाइफाइड बन गया था, कमजोरी आ रही थी, सही, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ मत जाए सुझान, है ना, एक कहावत तुमने सुनी होगी, ठीक है, मेहनत करो सभी लोग, मंजिल दूर नहीं है लेकिन मेहनत तो मांगता है, है ना, मैंने पिछली क्लासेस में पिछली साल भी बताया था, हिंदू भी उतारो कटारो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं रियल लाइफ में जो हाई स्कूल में फेल हो गए, जैसे तैसे पास भए मुश्किल से, सही है, और तैयारी करी और उन्हें एम्स मिला, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो पढ़ने में कभी डल थे, तैयारी करी लगे रहे, भाई टाइम तो लगता है, तैयारी करी उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करा और कर लिया, आईएमडी कर लिया, ये सब है, बड़े डॉक्टर बने, लेकिन लाइफ जस्ट यू टर्न मार जाती है, जस्ट यू टर्न मार जाती है, अगर कोई भी बंदा एक आईएएस ऑफिसर भी बन जाएगा ना तो इतने पैसे नहीं कमाएगा जितना डॉक्टर बनके कमाएगा, ये चीज कमाई तो बहुत है, अंधाधुंध कमाई, इतनी कमाई है दोनों हाथों से बटोरोगे ना तुम ना इतना पैसा, सही बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, मेरे साथ के स्टूडेंट, मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं कोई बहुत बाहर बाहर बहुत बहुत जगह काम कर रहे हैं, लेकिन हैं तो किसी प्राइवेट के अंदर में ही काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लोग इतना पैसा नहीं दे पाते, ठीक है,
जैसे मान लो अगर प्राइवेट के अंदर में है तो उनकी सैलरी 8 लाख 9 लाख महीने की रहती है, गवर्नमेंट की करेंगे तो मुझसे 60-70 हज़ार रुपये महीने मिल पाएंगे, तो इसलिए लोग प्राइवेट पे जाते हैं। लेकिन रहेंगे तो किसी के अंडर में ही काम करेंगे, लेकिन तुम डॉक्टर हो तो किसी के अंडर में काम ना करोगे। तुम्हारे क्लिनिक पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब 11 बजे बैठेंगे और डॉक्टर साहब 12 बजे आवेंगे, कोई जाना चाहे तो डॉक्टर साहब तुम 12 बजे क्यों आए? सही है। ऊपर से बेचारे पहले से पहले ही नंबर, जैसे ही दिन नहीं निकलेगा तुरंत जो कंपाउंडर होगा वो पहले ही नंबर लगा लेगा, तुम फोन कर दोगे बोले आज साहब हमारा नंबर लिख दो, और वो पहले ही से आके बैठ जाएगा, दुनिया तुम्हारा वेट करेगी, तुम किसी का वेट नहीं करो। ठीक है, अब तुम्हारी मन कर रहा है अभी हम उठ के जाएंगे तो यहाँ वहाँ से उठ के चले गए छुट्टी, तुम्हें देखना है कि ज़्यादा भीड़ लगेगी, हालांकि वो सब हैं तुम्हारे पैसे ही, क्योंकि हर किसी ने 500 रुपये का पर्चा बनाया हुआ है, हैं सब तुम्हारे पैसे, तब भी तुम जल्दी जल्दी सुलटाओ उनको, जल्दी जल्दी भागो। ये चीज़ है तो रिस्पेक्ट भी है, अब लेकिन मेहनत तो मांगता है। ठीक है, हर चीज़ मेहनत मांगती है, तो मेहनत करते रहो सफल सब हो जाए। ये उतार लिया, अब सब जी हम लोग बात करें, देखना जरा। इतना मैं तुमसे कह रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ तुम उतना कर लो। 180 नंबर का फिजिक्स आता है, 160 प्लस आ रहे हैं, और मेरे बच्चों के आ रहे हैं 160 प्लस फिजिक्स में, ज़्यादा नहीं आ जाएंगे, लेकिन उतना कर लो। अब कर नहीं मिले तो फिर मेहनत में कमी है हमारी। जो चीज़ बैठ के करने के लिए रात में वो नहीं, अब करके ही उठेंगे, कुछ हो जाए चाहे 12 बच्चे चाहे 1 बच्चे चाहे 2 बच्चे, टाइम का मत देखा करो। तुम लोगों के घड़ी में जैसे ही 11 बजे तुम्हारे टाइम हो जाता है सोने का, अरे अब सो ही गया अपन, रात में इतना ठूंस लेते हो हाँ तो बस अब तो सोने का मन करता है, ज़्यादा खा लोगे तो क्या ही होगा। देखो एक चीज़ सोचना, मैं ये एंगल अभी एच माना, जरा सोचो सर यहाँ से अगर मैंने किसी चीज़ को छोड़ा, अगर यहाँ से मैंने किसी चीज़ को छोड़ा वो नीचे आएगा सर, जाहिर सी बात है, रोलिंग ऊपर के क्या आएगा, नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज, इंक्रीज वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो 100% इसमें नीचे की ओर क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालो कितना होगा, तो मुझे बताओ ये मैंने डिस्टेंस क्या मानी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या तुमको फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, B, क्या मान ली, मोशन की इक्वेशन लगाओ B इज इक्वल टू यू प्लस AT, लेकिन तुम्हें सर T थोड़ी ना निकालना है, तुमको क्या निकालना है, तुमको एक्सेलरेशन, तो B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2A, मोशन की थर्ड इक्वेशन। मुझे बताओ जब लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2g s sin theta 1 plus k square upon r square, और इस b का क्या कर दूं, यही तो होगी वेलोसिटी, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया तो, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 प्लस 2a, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग करूंगा तो अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म तो 2g s sin theta 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2a, 2 से s से, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आया, sin theta 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब जरा एक बात सोचो जो मैंने कल बताई थी, अगर ये पहिया घूमे नहीं, सरक ही घूम नहीं रहा है, क्या कर रहा है, सरक रहा है, अगर घूमे नहीं ऐसे फिसलते हुए आएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ एक्सेलरेशन का फार्मूला कितना बचेगा, जी सर, ठीक है, ठीक है। और ये पहले मैं प्रूव करा चुका हूं, जब मैंने NLM पढ़ा रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तब मैंने बताया था अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई चीज रख दो, अगर घर्षण नहीं है और वो नीचे आएगा तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा। ठीक है, बस तुम खाली दो ही फार्मूला याद रखो, एक वेलोसिटी का, एक एक्सेलरेशन का, टाइम का मत याद रखो, ठीक है, टाइम का याद मत रखो, क्योंकि तुम्हें अगर एक्सेलरेशन पता होगा
और वेलोसिटी पता होगी तो टाइम तो अपने आप निकाल लोगे भाई, नीचे से ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, फिर मैं बात करूंगा क्वेश्चन की। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ तुमसे, कभी भी तुम लोग खुद दवाई लेने जाओ, ठीक है, पेरेंट्स को लेके जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री ले लो, ठीक है। अगर नीचे डिग्री नहीं लिखी है, खाली MBBS लिखा है, तो समझ जाओ ये झोला छाप है। झोला छाप का मतलब प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, पैसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर के नीचे डिग्री लिखी है तो समझ जाओ मेहनत से तुम्हारी तरह, तो तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इस तरह मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज से अपने MBBS, ठीक है। तो झोला छाप डॉक्टर से दवाई बनी जाती है, तो उसमें और झोला छाप में कोई अंतर नहीं है, वो बस बाप के पैसे लेके आराम से MBBS कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बता लिया, अगले बात करें, भरा था क्वेश्चन, चलो। अरे कहाँ गया, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया एम्स 19 में पूछा था। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा एक स्पेयर है, उसकी नीचे जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर पर सेकंड। तुमसे कहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस चल सकता है नीचे से। जैसे कोई ऐसा प्लेन है, तुमने नीचे से किसी चीज को ऐसे फेंका तो उसकी यहां वेलोसिटी कितनी है, ये 2.8 मीटर पर सेकंड। उसने कहा बताओ मैक्सिमम कितनी दूरी तक चल पाएगा, तो मैक्सिमम दूरी का मतलब है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, उतनी तो चल पाएगा। तो उसने कहा बताओ ये एस क्या होगा, ये एस क्या होगा। अब एक चीज जरा ध्यान करना, तुम लोग जरा सोचो, तुम लोग एक बार सोचना, अगर मैं यहां से इसको गिराऊं, इसको यहां से गिराऊं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहां से गिराया, मान लो यहां पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लो यहां से मैंने गिराया, जब टकरा रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर। तो इसका मतलब यह है अगर मैं यहां से 5 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो यहां पर जाके वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो। सही है, नहीं समझे, मैंने यहां से बॉल ली, यहां से बॉल को ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, बॉल ऊपर गई और ऊपर से कहां आई, तो जमीन जब वापस यहीं पर आएगी तो फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से सोचो, अगर मैंने मान लिया, मान लो ये कितनी ऊंचाई तक चला, एस ऊंचाई, अगर एस ऊंचाई से यहां से इसे छोड़ूंगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.8 ही होगी। अब मैं नीचे से 2.8 दे दूंगा, फार्मूला वही वाला लगाना है, देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगाना है, अंडर रूट 2g। सर जी एस साइन थीटा क्यों लगा रहे हो, एच वाला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाइट का कुछ नहीं पता, मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जितना भी ये चला है, अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ पर स्पेयर कहा गया है, स्पेयर का मतलब है सॉलिड स्पेयर। मुझे बताओ सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर मैं इसका k निकालूं, k का फार्मूला होता है अंडर रूट i अपॉन
आई की जगह मैंने रखा 2/5 एम आर स्क्वायर बटे एम, एम से तो यहाँ पर कितना बचा 2/5 आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई मेरी के की, किसकी वैल्यू आई के की, के की वैल्यू आई अंडर रूट 2/5 आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखू, देखो वेलोसिटी कितनी थी 2.8, तो 2.8 अंडर रूट, जी की वैल्यू 9.8, एस कितनी दूरी चली, तो मैंने कहा मान लो कितना दूरी चला एस, कोण कितना है यहाँ 30, तो साइन 30 बटे 1 प्लस के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 2.8 बराबर अंडर रूट इसकी, देखो साइन 30 का वैल्यू किसी को पता है क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो उस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 9.8s, और 1 में 2/5 जोड़ोगे तो आएगा बच्चों 7/5। अब क्या करें सर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2.8 × 2.8, अब ये वाला 5 कहां जाएगा ऊपर, ये वाला 5 ऊपर जाएगा, ये वाला 5 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 × 5 × s बटे नीचे क्या बचा 7, ठीक है। ये कट रहा है क्या 7 से, बोलो 7 × 7, 7 × 28, यही तो हुआ 7 × 28, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56, 28 × 2 = 56, और यहाँ पर क्या आया 5 ही तो है यहाँ पर 5s, तो अगर s की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 5.6/5, तो लगभग कितना आंसर आ रहा है 1.12, ये आंसर आ रहा है ना। तो ये देखो ये कितनी दूरी चलेगा इंक्लाइंड प्लेन पर, ये कितनी दूरी चलेगा 1.12 मीटर। अब देखो इसके आसपास में कौन सा आंसर बैठ रहा है, इसके आसपास में बैठ रहा है ये, ना तो ये है ना ये है ना ये, तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 1.12। इसे होता है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर लो, 5 × 2/5 = 5, 7 × 5 = 5, 5 गया ऊपर, 5 गया ऊपर, सही है साइन 30 सही है 1.12 मीटर आंसर आ रहा है। ऑप्शंस कहीं ना कहीं थोड़े डिफेक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 1.12 मीटर। ये क्वेश्चन तो बहुत देर का है, ये एक मिनट में क्वेश्चन कैसे होगा, मेरे तो एक मिनट में क्वेश्चन पूछता है, तो उस समय एग्जाम बेटा एम्स का हुआ करता था, ठीक है, एम्स अलग एग्जाम लेता था, और अभी जो सीपीएम जो नीट लेता है वो अलग एग्जाम लेता है, तो उस समय जो लेवल लेता था वो काफी डिफिकल्टी लेवल लेता था, इसीलिए उस समय कट ऑफ भी कम जाती थी, एम्स का पेपर अलग होता था और एएमटी का पेपर अलग होता था, होता नहीं है कराए। मैंने फार्मूला की किताब भेजी है तुम लोगों को, नहीं भेजी ना फार्मूले, आज अंशु सर जूम पे क्लास लेंगे आपकी, गूगल मीट पे, हाँ भाई
गूगल मीट पे लेंगे क्लास ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना वो दम भरते हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। मुझे ऑनलाइन में ये लगता है कि जब ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ पाता तो तुम लोग कैसे पढ़ पाओगे। सही बता रहा हूँ, मुझे मैं खुद जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ अपने लिए तो मैं देखता हूँ ऑनलाइन पढ़ लेता तो मैं इतना बोर हो जाता हूँ, फिर मैं हमेशा किताबों से पढ़ता हूँ, मैं कभी ऑनलाइन पढ़ता ही नहीं। मुझे किसी का समझ में नहीं आता कई बार तो ऑनलाइन बकवासबाजी इतना पेलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने एक दो बार देखा, मैं देखा ये ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा ब्यादा लिखवाते हैं जिसका नीट से कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार से, इतना एक्स्ट्रा करवाते हैं। नीट का जो है वहाँ से सिर्फ उतना पढ़ो बस, जो चीज़ तुम्हारे पूछी जा रही है सिर्फ उतने पर ध्यान दो। बता लिया अब तो, उतार लिया ना। चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा नहीं रहा हूं उसको। ये करो जल्दी करना, क्या है हाँ, दो डिस्क हैं और जिनके मास के रेशियो हैं वन रेशियो टू, डायमीटर रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है भाई। टू डिस्क हैं ये तो बताइए, एंड डायमीटर, अच्छा डायमीटर के अलोंग निकाल दो, हटा डायमीटर के अलावा, इसमें दिया नहीं है, डायमीटर के अलावा निकालो, ठीक है। ये भी बेटा एक पेपर अलग से पहले हुआ करता था जिपमर का, ठीक है। ए तुम जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो डायमीटर के अलावा, उसका रेशियो निकालो, क्या निकालो उसका रेशियो, ठीक है। ये उठा लिया क्वेश्चन, सभी ने उठा लिया। अब देखो इसने कहा इसके पास में दो डिस्क है, एक डिस्क दूसरी डिस्क, मास का दोनों का मास का रेशियो यानी कि M1 बटे M2 क्या है 1/2, तुम्हें क्या निकालना है। और अच्छा मास का रेशियो दे रखा है और बेटा डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या हो गया 2R1/2R2 का रेशियो कितना है 2:1, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि R1 R2 का अनुपात कितना है 2:1। तुमसे पूछा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं किसी भी डिस्क का डायमीटर के अलावा, डायमीटर के अलावा क्या होता है सर m1^2/4 होता है। अगर मैं पहले वाले को I1 मानूं तो यहां पर m1 और यहां पर r1, रेशियो निकालो I1/I2 तो ये हो जाएगा m1 r1 square upon 4 बटे m2 r2 square upon 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ, तो ये बचेगा m1 r1 square upon m2 r2। अब देखो बेटा m1/m2 रेशियो कितना दिया है 1/2, r1/r2 कितना दिया है 2/1, और इसका क्या कर दूं मैं होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 4/3, तो रेशियो क्या आया 2:1, 2:1 ये आंसर आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। अब सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा किसके अलोंग पूछ रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन एक प्रकार से इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में दे रखा होगा किसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें फाइंड करना है, सेंटर के अलोंग, डायमीटर के अलोंग या फिर टेंजेंट के अलोंग, पूरा दे रखा होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर लिख दो अलोंग डायमीटर, डायमीटर के अलोंग, अलोंग डायमीटर, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ये हो जाएगा। अब तुम्हें
पता तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बता लिया? फटाफट फोटो खींच लो ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाओ, सिलेबस ज्यादा है भाई, क्वेश्चन ज्यादा करना है। अगर हाँ पर डे एक क्लास होगी होगी पर डे फिजिक्स की, तो सिलेबस इतने स्मूथली होता बहुत। अब मैंने बारे जोड़ी थी पूरी मेरी क्लास में अभी तक 17-18 लगे सर, मतलब 17-18 में तुम बहुत करा था। डालिया ना, है भी नहीं कुछ क्वेश्चन में। अब ये करेगा, ये करेगा नवोदय विद्यालय, नाम क्या है तुम्हारा नवोदय वाले? नवोदय वाले पता है बच्चे का भी मुझे, मैं इसलिए ब्रिलियंट और मानता हूँ नवोदय वाले को, मेरी जिंदगी का इकलौता अब तक एक एग्जाम है जो मुझसे नहीं निकला था, बस बाकी मैंने जितने एग्जाम दिए निकले जरूर, भले इंटरव्यू में लड़का हूँ, ठीक है एग्जाम था पाँच में पढ़ते थे, अकल उकल थी नहीं, ठीक है। हमारा तो ऐसा हुआ था जब मैं एग्जाम देने गया था नवोदय का, तो घर वालों ने कहा साइकिल से चले जाओ अपने आप एग्जाम दे आओ, अपने आप दे आए थे, तो मार पता नहीं क्या गुनिया उनिया लेके गए थे। चलो बताओ कैसा होगा ये, बता दे। तो अपनी बेइज्जती तो नहीं लगती, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में इज्जत किसी की नहीं होती है, ध्यान रखियो। नहीं स्टूडेंट लाइफ में कोई अपनी इज्जत मत करो, अगर तुम अपनी इज्जत करोगे तो पीछे रह जाओगे, इज्जत किसी की नहीं है, सब कतई ही हो जाओगे। बता रहे आप मुझे पहले फार्मूला बताओ, सबसे पहले फार्मूला बताओ मुझे, सबसे पहले तुमसे पूछा क्या है टॉप टॉप के दो फार्मूला थे यहाँ पर, ये किसके हैं? About the origin, किसी एक पॉइंट के अलोंग है, अगर किसी पॉइंट के अलोंग होगा तो सर R cross F, फोर्स ये दिया है और ये क्या दिया है, ये क्या दिया है बेटा R, ये क्या दिया है देखो फोर्स ये दिया है और ये क्या दिया है, तो सर जी R cross F कैसे निकालेंगे, आई जे सबसे पहले R, R कितना दिया है 2K, तो ये भी जीरो और ये यही तो दिया है, यही तो दिया है। अब देखो फोर्स, फोर्स कितना दिया है 3J, सिर्फ 3J दिया है ना, इसका मतलब ये भी जीरो और ये सिर्फ कितना दिया है, हो गया यही तो दिया है सिर्फ। अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, देखो I ऐसे रखा काट दिया तिरछी गुणा जीरो की जीरो से, तीन दूनी माइनस छह, बीच में माइनस आता है, जे किसका रहता है बच्चों माइनस का, जे में सामने सामने काट दिया जीरो की इससे जीरो, जीरो की इससे दोनों जीरो, फिर क्या ले ले हम लोग के सामने सामने खत्म, जीरो की इससे जीरो की इससे, तो सिर्फ आंसर क्या आया माइनस का 6i, माइनस का आंसर, ठीक है माइनस का 6i आंसर होता है। ये नीट 2020 ने पूछ लिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को कराया हूं क्लास में, बहुत कठिन थे और ये सरल है ना। ऐसे उतारा करो जैसे कि पेपर में नकल मिल गई हो, अब उतारो फटाफट, और क्या पेपर नकल मिलती है तो फटाफट 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 फटाफट।
ये क्वेश्चन आप तीनों लड़कों बताओ, आप तीनों बताओ, ये भी 2020 में पूछिए। और आप चारों बताओ इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, बताइए चारों क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है ये 360 से कितनी हो गई, कितने सेकंड में, तुमसे पूछा एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तुम तीनों बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dw upon dt, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर w2 माइनस w1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1। अब आप बताओ मुझे ये क्या दिया है 360 rpm मतलब रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो क्या करूंगा, 360 बटे क्या 6i, क्या आई, अगर मैं इसे ओमेगा 1 में बदलूं तो क्या 2 pi new है 6, यानी कि कितनी आई 12 pi, कितनी आई 12। ऐसे ही यहां से कितना हो गया मैं 1200 हो गया। जब अब मैं न्यू टू करूंगा तो 1200 बटे 60 से काटूंगा तो कितना आएगा 20। अगर मैं ओमेगा 2 निकालूंगा तो ओमेगा 2 से कितना आएगा 2 pi into 20, यानी कि कितना आया 40 pi, सही है। देखो अब मैं क्या करूं, अब तो दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, ओमेगा 2 कितना है 40 pi, ओमेगा 1 12 pi, और कितना समय लगा 14 सेकंड, ठीक है, घटाओ 40 में से 12 गए कितने बचे, क्या 28 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं 28 pi बटे, आंसर कितना आया 2 pi radian per second, ठीक है। जहां भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कहीं तुम्हें आरपीएम दिखे, गलती से आरपीएम दिख जाए तुरंत उसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना, सबसे पहले क्या निकालना ओमेगा, जहां भी दिखे, ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना और फ्रीक्वेंसी के बाद तुरंत निकालना ओमेगा। ये मैं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, सर ने पूछा है थोड़ी क्वेश्चन। उतालिया हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन करो फटाफट। ये नहीं पूछा गया था नीट से 2018 में पूछा गया था, कब ऐसे पूछा गया। क्वेश्चन में तुम्हें फोर्स दिया है, तुमसे पूछा है द मोमेंट ऑफ फोर्स, सब पूछा गया, ठीक है, चलो तुम इसमें बेटा टॉर्क निकाल दो, क्या निकाल दो टॉर्क निकाल दो, क्या पूछा है टॉर्क पूछा, ठीक है,
टॉर्क पूछा है। अब टॉर्क पूछा है तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, एफ तुम्हें दिया है, आर निकालो, आर क्या होता है फाइनल माइनस, तो इनिशियल ये है, ये क्या है फाइनल, तो इसमें से ये घटाओ, इसमें से नहीं, द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट, हाँ गलत कर रहे हैं, कैसे इधर देखो फोर्स ये है, फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स कौन से पॉइंट पर लग रहा है 2, 0, -3, ठीक है, किस पॉइंट के अलॉन्ग लग रहा है तो 2, -2, -3 ये लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं निकालूंगा फाइनल माइनस, अब क्या करूं सर, दो में से क्या घटाऊं दो, कितना बचेगा जीरो, में से क्या घटाऊं माइनस दो, क्या बचेगा प्लस का, माइनस तीन में से क्या घटाऊं माइनस दो, बेटा माइनस तीन में माइनस दो तो क्या बचेगा माइनस का एक, माइनस का एक के, ये क्या आ गया मेरा आर, ये क्या आ गया आर। अब मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो सर आर क्रॉस एफ, एक तरफ आई, एक तरफ जे, एक तरफ आर की वैल्यू देखो जीरो दो माइनस, एफ की वैल्यू देखो चार पांच माइनस छह, इसे सॉल्व कर लेना आंसर देख लेना, ठीक है, इसे सॉल्व करके आंसर मिला लेना, जॉन सा मिल जाएगा, कौन सा मिल रहा है चौथा मिल रहा है, तो चौथा से हो जाएगा। फोन खराब हो गया, चटक गया क्या आपका, जब मोर का फोन गया है बता लिया, ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन, आराम से कर लिया, चले एक क्वेश्चन भी आप करवा दे, बताओ यहाँ रिंग है, ये रिंग लिखा हुआ है, ये रिंग है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क एंड रिंग ऑफ द सेम रेडियस एट द टेंजेंटियल एक्सिस इन प्लेन, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तुम्हारे पास में एक डिस्क है और एक रिंग है, दोनों की रेडियस सेम है, यानी कि इसकी भी आर और इसकी भी, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है रेशियो, किसका रेशियो, रेडियस ऑफ किसके अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, यही तो स्पर्श रेखा होगी, और किसकी स्पर्श रेखा, ये अलोंग सेंटर बोल सकते ना भैया, अलोंग सेंटर नहीं, अलोंग सेंटर नहीं होता, अलोंग यहाँ पर दिया है देयर टेंजेंट एक्सिस, ठीक है, आएगा तो वही ना जो सेंटर पर होगा, जो सेंटर पर, हाँ वही आएगा बोल सकते हैं, कहाँ घर, ट्रेन है क्या, कितने बजे, एक लड़की और जाती है बोनी आई आज, 5 बजे ट्रेन है, ठीक जाओ ट्रेन थोड़ा लेट करवा दो, क्लास में जल्दी करवा दो, बनाए ना गेट, ये क्लास होटल, हाँ जो आप कह रहे थे, ये बच्चा पता क्या कह रहा है, ये बच्चा ये कह रहा था वो देना करा देना करा दो, ये बच्चा ये कह रहा है कि सर आपने ये रिंग ली है, इसका आपने टेंजेंट ये माना ना, मैं टेंजेंट ये नहीं मैं तो ये मानूंगा, ये टेंजेंट कह रहा है मैं ये नहीं ये मानूंगा, ठीक है, तो तुम ये वाला मान लो, ठीक है ये वाला मान लो, टेंजेंट का मतलब होता है बेटा स्पर्श रेखा, सीधे
टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो बेटा, ए सबसे पहले मुझे बताओ इसका इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये है डिस्क, एमआर स्क्वायर बाई फोर, एमआर स्क्वायर बाई फोर होता है डिस्क का। ये क्या है डिस्क? ये रिंग है, रिंग का इसके अलोंग क्या होता है? आप बताओ इसके अलोंग निकालो, इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलोंग। तो इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे बेटा तो सेंटर के अलोंग है एमआर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर एम। अब आगे कीजिए, इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल गया, जिसे मैंने क्या मान लिया आई। ऐसे ही मैं सर इसके अलोंग निकालूं तो सबसे पहले सेंटर के अलोंग, सेंटर के अलोंग है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस इसके अलोंग क्या होगा एम। ये डिस्टेंस मैंने मानी आर, तो एम आर ठीक है, एम आर स्क्वायर ठीक है। यहां पर निकालोगे तो आएगा 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर, जोड़ोगे तो, और यहां जोड़ोगे तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। सर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो एक तरीका ये है, पहले तुम इनका आई निकल गया ना तुम्हें, अब के निकालो, क्या निकालो के निकाल दोगे ठीक है। और ऐसे ही इसका भी क्या निकालोगे तुम लोग, इसका भी k निकालो। क्यों सर की? देखो k2 कैसे आएगा, अंडर रूट i अपॉन m, तो m से m कट जाएगा, यहां बचेगा 3 बटे 2 r स्क्वायर, और यहां बचेगा बेटा 5 बटे 4 r स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, k1 बटे k2 5 बाई 4 r स्क्वायर अपॉन 3 बाई 2 का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, ये दो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10 बटे 12, 10 बटे फिर 5 से काटो 2 से काटो 2 बटे 10 2 छंग ए ऑप्शन। क्या किया, पहले मैंने इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, रिंग का इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अंडर रूट आई अपॉन एम, तो एम से एम कट जाता, ऐसे ही मैंने इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला, उसके बाद में दोनों का क्या कर दिया रेशियो, दोनों का रेशियो ठीक है। अब हम तो थोड़ा पढ़ते हैं, तुम लोग बोर हो रहे हो, बहुत क्वेश्चन करते करते ठीक है। थोड़ी पढ़ाई करते हैं, बताओ बताओ
हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, चलो इसे देख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला के बराबर अंडर रूट आई बटे, कह रहा है किस पर डिपेंड करता है, क्या शेप और साइज पर डिपेंड करता है, काहे नहीं करता है, स्पीयर का अलग होगा, रिंग का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, तो शेप और साइज पे डिपेंड इस पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी, क्या एक्सिस पर भी डिपेंड करता है, हाँ तो सभी पर डिपेंड करता है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलो देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। अब एक बार देखो सर, ये इधर देखो सर, मान लो मेरे पास में ये ब्लॉक है जिसका मास कुछ है, कुछ है मास, ठीक है, जरा गौर से देख लेना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। मैंने क्या किया, इसे यहाँ पर ये झूला है, झूला जानते हो तुम लोग, झूले झूले से रिलेट करो, जो गाँव में खेत झूला डालते हैं, आप नहीं डालते पहले डालते थे, जब से मोबाइल आ गए तब से तुम्हें फेसबुक टिकटॉक पे बैठोगे ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, रील्स तो देख लो पहले, गांव में डालते गांव में डालते। तो क्या है देखो, ये झूला है, मैंने क्या किया, क्या किया, अब एक ने इसे फोर्स बल यहाँ पर बल दिया और एक वेलोसिटी दी, मैंने कुछ वेलोसिटी दी और वो यहाँ तक जाके वापस यहाँ आ गया, अब मैं उसे और वेलोसिटी दूँ, जरा सोचना, मैं इसे यहाँ पर और वेलोसिटी दूँ और ऊपर चल के आ गया, अब मैं इसे और वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा, ऐसे हो गया, ऐसे भी तो हो जाएगा, अब तुम ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे, देखो देखो ज्यादा वेलोसिटी दी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है कि मैं यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दूँ, कितनी वेलोसिटी दूँ जिससे कि ये एक कुछ एंगल तक जा रहा है, तो देखो अगर ये यहाँ पर मैंने वेलोसिटी दी कुछ यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, अब जरा तुम ध्यान करना, मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये नीचे यहाँ पर है कचोरा, देख रहा है तुम्हें, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब तुम सोचो जरा, सोचना बेटा, अभी ये यहाँ पर था, यही तो मेरी बोतल की लंबाई थी, यहाँ से यहाँ क्या पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, जमीन मेरी कहाँ है, मान लो ये है जमीन से, मैं देखो जब मेरी बोतल सर यहाँ पर पहुँच गई, जब मेरी बोतल यहाँ पहुँच गई तो जमीन से कुछ ना कुछ, जमीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर पहुँच गया, जमीन से कुछ ना कुछ क्या पहुँच गया, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर कब पहुँचा, जब मैं कुछ ना कुछ पहुँच रहा, जब मैं कुछ ना कुछ पहुँच रहा तभी तो जमीन से ऊपर ऊपर गया, तभी तो कहाँ गया, जमीन से ऊपर। एक बार जरा इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, अभी इसे मैं रफ कर रहा हूँ, देखो जरा, मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक है जिसका स्मॉल मास मान लिया m, ठीक है m, मैंने यहां से इस बॉब को कुछ ऊपर ले गया तो ये बॉब कुछ ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा, इस डोरी की लंबाई क्या मान ली मैंने, अगर यहां से लेके यहां तक डोरी की लंबाई l है तो यहां भी डोरी की लंबाई क्या होगी, l होगी। सर ये मैंने मानी जमीन, ये क्या मानी मैंने, जमीन, ये जमीन मानी, तो ये वाला है वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर पहुंच गया, कितनी ऊंचाई मान ली मैंने, h, यहां से मैंने इस पर एक लंब डाल दिया, एक डाल दिया, ठीक है, इस कोण को क्या मान लिया मैंने, थीटा, इस कोण को मान लिया थीटा। अगर बेटा मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को x माना, यहां से यहां तक कितना माना, x, अब नाम रख दो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मैंने तुमसे कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए ए बी सी, ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें देखो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोथेनियस, क्या होता है, ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें हाइपोथेनियस और ये क्या बचा, बेस, हाइपोथेनियस और बेस आए, किसमें आएगा, कॉस थीटा बराबर, जल्दी बोलो, बेस अपॉन आधार
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो सर, बेस कितना है x और कर्ण कितना है देखना l, कितना है l। तो अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या आया सर, l cos थीटा। अब जरा सोचना सर जी, ये दूरी कितनी आई, l cos थीटा, कितनी आई l cos थीटा। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है l, क्या है l। अब खुद सोचना, यहां से यहां तक की दूरी x और यहां से यहां तक की दूरी h, तो ये दूरी h। तो देखो बेटा, x प्लस h दोनों मिलके ही तो l हो रही है। देखो x प्लस h, h दोनों मिलके क्या हो रही है, पूरी l। तो अगर मैं h निकालूं तो l माइनस s, और x की वैल्यू मेरी आई है, अगर दोनों में कॉमन लूं तो l कॉमन हो जाएगा, तो कितना आया L 1 माइनस कॉस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर मैंने इसे जमीन माना और मैं थीटा कोण पे ऊपर चला गया तो मैं प्रारंभिक से कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, तो L 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना है तुमको, कितने ऊपर पहुंच जाऊंगा, L 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, तुमने किसी को झूला दिया, ऐसे झूले से ऐसे धक्का दिया, जब तुमने झूले से धक्का दिया तो तुम ये देख लो उस डोरी की लंबाई कितनी है, उस डोरी की लंबाई कितनी है और उसने कितना कोण बनाया, तुरंत तुम बता दोगे कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो जमीन से ऊंचाई का फार्मूला होता है h बराबर l 1 माइनस cos, ध्यान रखना h बराबर l 1 माइनस cos थीटा। सर ये डेरिवेशन कहां से आया मत याद रखो, खाली तुम इतना याद रखो, अगर तुम कोई भी एंगल थीटा डिग्री एंगल पर कोई बॉब पहुंच जाएगा तो कितनी ऊंचाई पर हो जाएगा, वो हो जाएगा L 1 माइनस cos थीटा, L 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, जल्दी उतारो फिर अगले बने इसमें। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पुरनपुर साइड से जो आ रहा है, एक बाघ घूम रहा है, बाघ बच्चों पता है तुमको, बाघ घूम रहा है, आनंद वीडियो देख रहे थे, शेर इंडिपेंडेंस से रहेंगे ना, शेर है क्या वो, शेर आया हुआ इधर, शेर आया हुआ है, टाइगर आया है, शेर तो नहीं है, मीडिया था ना, h बराबर l 1 माइनस cos थीटा। रास्ते में फोटो खींचा
तो इसका वेलोसिटी यहाँ क्या मानी मैंने, बी। भाई जा रहा था रास्ते में वेलोसिटी क्या मानी, बी। ये कोण क्या माना मैंने, भाई ऐसे ही को जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, कोण माना ठीक है। अब तुम देखो इस पॉइंट को अगर मैं ए मानूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी मानूं, अब मैं तुमसे कहूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट और टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। बेटा टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर ये जमीन पर है तो H की वैल्यू जीरो, और H जीरो तो पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल काइनेटिक A और पोटेंशियल एनर्जी A बराबर काइनेटिक एनर्जी B प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल यही तो टोटल एनर्जी होती है। अब देखो अगर ये जमीन पर है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mu² इसका मास m और वेलोसिटी u। अगर कोई चीज जमीन पर है तो h की वैल्यू 0 और h 0 तो पोटेंशियल 0, ठीक है सर। अब मुझे b पॉइंट पर, b पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, b, तो 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी, भाई कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया मैं जमीन से, एच ऊंचाई पर, तो एम जी, ठीक है सर। दो से ऊपर गुणा, दो से ऊपर गुणा, दो से ऊपर गुणा करा तो देखो दो से दो कट गया तो यहां बचा एम यू स्क्वायर, दो से ऊपर गुणा करा तो एम बी, दो से ऊपर गुणा करा H की जगह, H की जगह L वन माइनस कॉस, अरे इतनी ऊंचाई तो गया है, L वन माइनस कॉस थीटा। देखो M तुम कॉमन ले लो तो एक M M गैप हो जाएगा, ठीक है, यहां सिर्फ बचेगा U स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस 2GL वन माइनस कॉस, अगर मैं इसको इधर लाऊं, अभी बता रहा हूं, इसको इधर लाऊं तो u स्क्वायर ये इधर आके माइनस का 2gl 1 माइनस cos थीटा बराबर b स्क्वायर, ये फार्मूला मेरा हो जाएगा। हाँ पूछो, ये फार्मूला हो जाएगा, तुमको ये याद करना है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। मोशन ऑफ, नहीं मोशन ऑफ इक्वेशन से अलग है, रिलेट कर सकते हो, हाँ रिलेट करने के लिए बोल सकते हो लेकिन उससे डिफरेंट है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सही है, उतार लिया। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास बोतल है सर, अभी ये लोएस्ट पॉइंट ये है, इस लोएस्ट पॉइंट से कितना एंगल बना रही है, लोएस्ट पॉइंट ये है 90, लोएस्ट पॉइंट से कितना बना रही है 90, मैंने इसे छोड़ दिया। अगर इसे छोड़ूंगा, मैं यहां से इसे छोड़ूंगा तो ये यहां पर जाके ऐसे छोड़ा, देखो ऐसे आया, तो जब ये अपने मेन पॉइंट से गुजर रही होगी तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी होगी जरा सोचें, पता नहीं है इसे बता रखा होगा,
तालियां। फार्मूला याद रखना, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। करूंगा पास में एक मान लो गोला यहां पर है, और जब ये गोला यहां से यहां आया तो आते समय इसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। कितना कोण आया ये 90 डिग्री। यहां से अगर मैंने छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली बी। अभी बताओ, अभी फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एल। सोचो फाइन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, और कितना एंगल है, कॉस 90। कॉस 90 क्या हो जाता है बोलो, कॉस 90 जीरो। कॉस 90 जीरो, ठीक है, कॉस 90 जीरो। तो नीचे की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस का, ये पूरा जीरो हो गया, माइनस का 2gl, या बी बराबर वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gl। सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, तुमको बता दूं, एक इसमें तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझोगे, ए वो छोड़ दो, मुझे बताओ यहां पर मेरे पास एक मास है। अब समझो एक मास है, मास कितना है, मैंने इसे कुछ वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने बोला यू दी, कितनी दी यू दी। यू देने के बाद ये अधिकतम एंगल जो बना सका 90 तक जा सका उसके ऊपर, जैसे ये मैंने इसे इतना वेग दिया कि ये यहां से सिर्फ इतना जा सका, फिर से तो मैं यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी लूं कि ये जस्ट कितना एंगल पर जा जाए, 90 डिग्री एंगल पर जा। तो फार्मूला अभी मैंने जो बताया था, बी स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एल। अब देखो यहां से यहां तक गया तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, तभी तक तो यहां तक पहुंच पाया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई जीरो। इनिशियल मुझे निकालनी है। अब देखो कितना एंगल पर जा पाया, 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो यहां पर ये जीरो हो गया, एक से गुणा करी तो 2gl, इसे इधर लाए तो यू स्क्वायर बराबर क्या बचा, और u बराबर क्या बचा अंडर रूट। अब जरा सोचना, अगर मैं यहां से अंडर रूट 2gl वेलोसिटी दूं तो ये मैक्सिमम कितना एंगल बना पाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री से एंगल ज्यादा नहीं बना पाएगा, समझ आ रहा है। अच्छा अगर मैं, अब जरा बताना इसी क्वेश्चन बताना, मैंने सर जो वेलोसिटी दी वो यहां कितनी वेलोसिटी दूं कि ये अधिकतम कितना एंगल बना पाए, 180 सही है। मैं इसे इतनी वेलोसिटी दूं यहां से, इतनी वेलोसिटी दूं कि ये यहां से यहां तक जा पाए, सही है। उसके बाद में ऐसे, उसके बाद ऐसे तो गिरेगा, ठीक है। तो क्या करूं, तो कतई वही यही वाला पूरा लगाना है, क्या b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा फाइनल वेलोसिटी। बेटा यहां तक जा पाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो। इनिशियल निकालनी है तो 2gl सर cos 180 का वैल्यू
cos 180 का वैल्यू होता है माइनस वन, याद कर लेना क्या होता है माइनस वन। हाँ, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ दो हो जाएगा, दो दूनी चार, तो u का मत वैल्यू आएगा अंडर रूट 4g, अंडर रूट 4g है, अंडर रूट 4g, अंडर रूट 4g है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत मत लो, मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो मुझे मानी तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तुम दोनों बताओ, ठीक है, ये है मेरे पास में, ये है, तुम दोनों बताओ इसे, ठीक है, सभी लोग ध्यान दो। मैंने यहां पर अंडर रूट 2gl वेलोसिटी ली, ये यहां से कितना एंगल बन जाएगा 90, कितना जाएगा 90 वापस। अगर मैं अंडर रूट 2gl से कम वेलोसिटी लूंगा तो क्या ये 90 तक जाएगा? नहीं। कुछ एंगल आके वापस। मैं इसे अंडर रूट 3gl वेलोसिटी दिया तो 90 से कुछ, लेकिन 180 से कम। मैं इसे अंडर रूट 4gl वेलोसिटी दिया, ऐसे जाएगा, और यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसके बाद में ऐसे गिरेगा, उसके बाद में ऐसे तो गिरेगा। मुझे एक कंप्लीट रोटेशन कराना है सर, क्या कराना है? कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है? ये वाला, ये कंप्लीट रोटेशन है, है ये मुझे बताओ क्या ये कंप्लीट रोटेशन है? नहीं, कंप्लीट रोटेशन तो सर ये है। इसका मतलब ये है, अगर मुझे इसको यहां से यहां तक ले जाना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर रूट 4g है, अंडर रूट 4g, और अगर मुझे इसे और ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, इसे रख कर दूं, देखो टू कंप्लीट, वन रोटेशन मोशन मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट, बेटा देखो अगर मैं मेरे पास यहां एक ब्लॉक है, अब ध्यान दे लो, जिसका मास क्या है, अगर मैं इसे यहां पर अंडर रूट 5gl वेलोसिटी दे दूं, कितनी दे दूं, तो ये कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, क्या कर लेगा, कंप्लीट रोटेशन। बात समझ आ रही? अभी तुम बोले मैं वेलोसिटी अंडर रूट 4gl से क्या दूंगा, ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, तो अंडर रूट 4gl से थोड़ी सी ज्यादा क्या है, 5g, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर तुम इससे अंडर रूट 5gl से कम अंडर रूट 4.8gl भी दोगे, कंप्लीट रोटेशन, अंडर रूट 5gl तुम्हें देनी पड़ेगी। अब तुम बताओ, जब सर मैंने नीचे से उठा के 90 डिग्री तक ले गया था तो कितनी वेलोसिटी चाहिए थी, अंडर रूट 2g, तो सर जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब कितनी कम होगी, तो अगर ये 90 डिग्री पर पहुंच गया तो इसमें से दो कम कर दो, कितनी कम कर दो, तो दो कितनी बची, अंडर रूट, फिर 90 पहुंच गया, फिर इसमें से भी दो कम कर दो, देखो अभी 90 गए थे तो तुमने दो कम किए, फिर 90 गए, फिर कितने कम करो, दो कम करो, तो तीन में से दो गए तो कितने बचे, खाली जीएल बचा। अब ऊपर से कहां आएंगे, नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कितनी बढ़ेगी, फिर
सर्जी दो बढ़ जाएगी, नीचे आने पर दो बढ़ जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? और फिर नीचे आएंगे फिर कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 5g। अच्छा अगर मुझे बताओ सर, मैं तुमसे ऐसे ही एक ओरली क्वेश्चन पूछा, एक ओरली क्वेश्चन पूछा, मैंने यहाँ पर जो वेलोसिटी दी वो अंडर रूट 8gl दी, अंडर रूट 8gl, क्या ये कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा? क्या ये कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा? कर ले, क्यों? वेलोसिटी किससे ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर तो 8gl है, तो कर लेगा सर। अब मुझे बताओ, जब ये वाला ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा भाई, ऐसे ही तो कंप्लीट रोटेशन करेगा। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे दो कम कर दो, कितने कम कर दो? तो आज में से दो गए तो कितने बचे? तो यहाँ कितनी होगी? अंडर रूट 4g, फिर वापस से यहाँ, और फिर वापस से 8g। तो अगर किसी भी ब्लॉक को कंप्लीट, अगर किसी ब्लॉक को कंप्लीट रोटेशन करना है तो लोएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gl। अंडर रूट 5gl से कम होगा तो कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, ज्यादा होगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, ज्यादा होगा तो हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होना, कम होगा तो कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, करेगा ही नहीं कंप्लीट रोटेशन। अब बताओ पीछे, आप लड़कियां बता दीजिए, ठीक है, तुम लोगों को बताना है। पहले देखो ना सर, मेरे पास में ये क्या है, बॉडी, इस बॉडी को मैं ऐसे अभी घुमा रहा हूँ, धीरे 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 घुमा रहा हूँ, इस रस्सी में तनाव है, टेंशन है रस्सी, अब मैं इसे और तेजी से घुमाने लगूं, समझ लो इधर गई तो खुपड़िया टूटेगी, इधर गई तो ब्लैक बोर्ड बाहर गेट के बाहर तो तुम्हें क्या दिखेगा, ठीक है? सोचो आप लोग जरा सोचो सर, अगर मैं इसे धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो टेंशन कम, और तेज घुमाऊंगा तो टेंशन ज्यादा, क्यों भैया? तेज घुमाने पर टेंशन ज्यादा क्यों हो रही है? इस रस्सी में तनाव ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पर एक बल लगता है बाहर की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्र बल। अंदर अभिकेंद्रीय होता है, बाहर अपकेंद्रीय होता है, ठीक है? इंग्लिश में अंदर सेंट्रीपिटल होता है और बाहर सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है? तो फोर्स लगता है, जब कोई भी चीज घूमती है तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, अंदर की ओर लगता है सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही इस रस्सी के अंदर क्या था? टेंशन, इस रस्सी के अंदर तनाव था। देखो बच्चों, एक ये कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, और अगर वो घूम रही है कुछ ना कुछ वेग से घूम रही है, तो बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो लगता है mv² upon r। और बेटा ये इमेजिनरी फोर्स होता है, अगर कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना, ये कैसा फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। अब तुम देखना सर, यहां एक ब्लॉक है जिसका मास है, ठीक, ये बेचारा घूम रहा है,
ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये रास्ते में कहीं यहां पहुंचा, रास्ते में कुछ यहां पहुंचा, यहां पर जब ये पहुंचा तो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी है, ये बेचारा ऐसे घूम रहा है, रास्ते में पहुंचा, इसकी यहां वेलोसिटी निकली बी। अब इसके अंदर तनाव होगा टी। तुम्हें पता है अगर ये मास एम है तो नीचे क्या लगेगा, अगर ये कोण थीटा, इसको मैं सीधे ले जाऊं तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, और तुमको पता है कि अगर मैं थीटा की तरफ जाता हूं तो हाँ, तो अगर थीटा की तरफ जाऊंगा तो यही एम जी क्या हो जाएगा। और बेटा एक बाहर की ओर फोर्स लगता है जो तुम अभी बोले एम बी स्क्वायर, अगर ये लंबाई एल है तो अब आर की जगह क्या लिखा जाएगा, आर की जगह। अब बताओ टेंशन कितनी है अंदर टी, और बाहर की ओर कितना लग रहा है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया टेंशन का फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया, टेंशन का। ठीक है जल्दी से उतारो, दो मिनट में एक चीज और करा रहा हूं, नहीं तो वो कोई फायदा नहीं होगा। टेंशन इन स्ट्रिंग, बताओ कंप्लीट रोटेशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वो एक कंप्लीट रोटेशन कर लें। बता लिया इसे, बता लिया ना। अब देखो बच्चों ए देखो, यहां पर मेरे पास में एक ब्लॉक है, सही है, इस ब्लॉक को मैंने इधर वेलोसिटी दी अंडर रूट 5g, क्या ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, करेगा। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी बची, अंडर रूट, यहां कितनी बची, अंडर रूट gl, यहां कितनी बची, अंडर रूट 3g। अब पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब मैं तुमसे कहूं टेंशन, ए पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, तो टेंशन का फार्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा, या पहले एम जी कॉस थीटा बाद में एम बी स्क्वायर अपॉन आर। देखो मैं टेंशन का फार्मूला लिख दे रहा हूं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस। अब जरा एक बार ध्यान कर लो बस, सर सर एम तो एम है ही, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर पूछा है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 5g, और अंडर रूट 5gl का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बेटा रेडियस, यहाँ पर ये लेंथ एल ही तो है, ये कितनी है, तो नीचे क्या लिख दिया, एम जी। बताओ बेटा ये यहीं से कितना एंगल बना रही है, जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू एल से, तो 5mg और जीरो की वैल्यू 1, तो 1mg कितना हो गया, 6mg। अब मैं आ गया बी पॉइंट पर, किस पर आ गया, बी पॉइंट पर, तो मास ऐसे ही, मास वेलोसिटी कितनी है, रूट 3gl, रूट 3gl का स्क्वायर, रूट 3gl का स्क्वायर, और नीचे लेंथ l, mg। बताओ बच्चों ये यहां से कितना कोण बना रहा है, और cos 90 की वैल्यू,
जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, सिर्फ कितना बचा 3m, कितना बचा 3m। अब मैं किस पर निकालूं, सी बिंदु पर, किस पर निकालूं सी बिंदु पर, सी बिंदु पर मास ऐसे ही वेलोसिटी का स्क्वायर करूं तो सिर्फ क्या बचेगा जीएल, तो ऊपर जीएल नीचे एल प्लस एम जी। बताओ बेटा मैं लोएस्ट पॉइंट से ये कितना एंगल बना गया 180, तो कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पर कितनी आ गई टेंशन जीरो, कितनी आ गई जीरो। अब देखो यहाँ टेंशन कितनी आई सर, यहाँ पर 6 mg, यहाँ पर कितनी आई 3 mg, यहाँ कितनी आई जीरो, तो यहाँ कितनी होगी जितनी यहाँ है उतनी तो यहाँ होगी 3 mg, सही है। ऐसे फार्मूला से टेंशन में निकाल सकता हूँ। एक तरीका और है जो कतई शॉर्टकट है, ज्यादा दिमाग लगा जोड़ दे, यहाँ कितने हैं 5, कितने हैं 5, तो टेंशन कर दो 6 mg, 5 में एक जोड़ दो 6 mg, ठीक है, 6 करने के बाद 3 घटा दो, फिर 3 घटा दो, फिर 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, नहीं समझ में आया, देखो बस एक बार ये देख लो, मैं छोड़ रहा हूँ तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे जाने, इधर देखो बच्चों यहाँ पर जो है वेलोसिटी अंडर रूट 8g, ध्यान करो वेलोसिटी कितनी अंडर रूट 8g, तो यहाँ टेंशन कितनी होगी, तो 8 में एक जोड़ दो 9 mg, कितनी होगी, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो 9 में से 3 घटा दो 6 mg, फिर 3 घटा दो 3 mg, फिर 3 जोड़ दो, ठीक है, ये किस प्रकार से आता है।